श्री आदिनाथ भगवान की जय। अरे यह कैसा दुखजनक दृश्य है। एक शांत स्थिर मुनि हथकड़ियों और बेड़ियों से बंधे हुए हैं। इस दृश्य के पीछे क्या रहस्य है और फिर क्या हुआ वह आज हम जानेंगे। राजा भोज उज्जैन की धार नगरी के राजा थे और उनके मंत्री का नाम पंडित कालिदास था। राजा बहुत ही ज्ञान प्रेमी थे। एक दिन राजा ने जैन कवि धनंजय को राज दरबार में बुलाया, उनके काव्य की और ज्ञान की बहुत प्रशंसा की। तब कवि धनंजय ने कहा कि मुझे जो भी आता है वह सब मेरे गुरु श्री मानदुम आचार्य जी की कृपा से ही है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेजा श्री मानदुम आचार्य जी को दरबार में लाने के लिए, लेकिन कोई भी मुनि राज दरबार में अर्थात किसी भी गृहस्थों के वहाँ सिर्फ दो कारणों की वजह से ही जाते हैं, एक आहार लेने के हेतु और दूसरा कभी किसी का समाधि मरण कराना हो तब। इसमें से कोई भी कारण नहीं था, इसलिए मुनि ने राज दरबार जाने से मना कर दिया। फिर भी राजा भोज की आज्ञा पर सैनिकों जबरदस्ती श्री मानदुम आचार्य जी को ले जा रहे थे। तब मुनि ने इसे उपसर्ग माना और मौन धारण कर लिया। अब जब मुनि को राज दरबार में लाया गया तब राजा भोज ने उन्हें बहुत प्रश्न पूछे, लेकिन मुनि तो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनका तो मौन था। यह देख पंडित कालिदास ने कहा, इन्हें तो कुछ नहीं आता, इन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, यह आपका अपमान भी कर रहा है। राजा बहुत ही क्रोधित हुए और मुनि को हथकड़ियों और बेड़ियों से बंदी करवा के 48 कोठियों के भीतर एक काल कोठरी के अंदर कैद करने का आदेश दे दिया। मुनि जी वहाँ पे 3 दिन तक कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया और कायस्थ मुद्रा में ध्यानस्थ रहे। फिर 4th दिन श्री आदिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए उनके भीतर से ही स्तोत्र प्रकट हुआ। जैसे जैसे एक एक श्लोक की रचना करते गए वैसे वैसे एक एक कोठी में लगाए हुए ताले टूटते गए और एक एक द्वार खुलता गया। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी टूट गई और मुनि जी बाहर आ गए। यह देख सैनिक डर गए और राजा को यह अनोखी और आश्चर्य होने वाली बात कही। राजा और मंत्री सुनकर शर्मिंदा हो गए और श्री मानदुम आचार्य जी के पास अपने दुर्व्यवहार की आलोचना करते हैं। राजा और मंत्री ने श्रावकों के 12 व्रत अंगीकार किए और वह जैन धर्म के विशेष अनुयायी बन गए। राजा भोज और मंत्री के प्रचार से ही हमें श्री मानदुम आचार्य से रचित श्री भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने का और उनकी महिमा का लाभ मिल रहा है। श्री आदिनाथ भगवान की जय।